मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के झांसे में आकर चाची ने अपने ही 7 साल के मासूम केशव की हत्या कर दी उसी के घर में। लाश के पास तंत्र मंत्र के सामान भी डाल दिए। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि हैवान बन चुकी चाची ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पहले भी इसी घर में एक 5 साल के बच्चे की हत्या इसी चाची ने की थी, मगर उस वक्त परिवार के लोगों ने बीमारी से मौत होने की वजह समझकर उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। मगर अब केशव की हत्या के बाद आरोपी चाची और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी चाची ने खुलासा किया है कि उसके ऊपर भूत का साया है और इस साया से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी माँ से संपर्क किया और ये माँ बेटी मिलकर एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने इन्हें कहा कि अगर भूत के साये से छुटकारा पाना है तो आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। तांत्रिक के कहने पर भूत हटाने के लिए चाची ने अपने ही 7 साल के केशव को घर में अकेला पाकर उसे जान से मार डाला और कागज में लाल कलर से लिखा कि अब शांति मिल गई, मुझे शांति मिल गई। दरअसल लाल कलर से तंत्र मंत्र लाश के पास करने का मकसद ये था कि लोग समझे कि केशव की मौत किसी तंत्र मंत्र की वजह से हुई है। मगर पुलिस ने जब इसकी गहराई से जांच की तो भतीजे की मौत का राज खुल गया और चाची बेनकाब हो गई। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के खतौली गाँव का है और इसी तरह से दोनों बच्चों के हत्या का जुर्म इसने कबूल किया। चाची और चाची की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों से आगे भी पूछताछ की जा रही है, जबकि तीसरा आरोपी जो इसमें है तांत्रिक, वो बताया जा रहा है कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा है उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।